और मैं मौजूद हूँ दिल्ली के प्रगति मैदान में, जहाँ पर नॉ मूवमेंट एक एशिया का एग्जीबिशन लगा हुआ है। यहाँ पर आपको तमाम सारी चीजें, वो मटेरियल आपको मिलेंगे जो प्लास्टिक के बिना बनते हैं, लेकिन जो चीजें आप यूज करते हैं जैसे कि पॉली बैग, सैनिटरी पैड, बच्चों के डायपर, और इनफैक्ट इसके अलावा भी तमाम ऐसे मटेरियल प्लस मशीन और प्लस आपको जो सामान है वो तक आपको तैयार यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर प्रगति मैदान में लगभग 77 से लेके 80 स्टॉल्स लगे हुए हैं और तमाम कंपनियों के स्टॉल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और भारत के कोने कोने से हर एक ब्रांड ने अपना एक छोटा बड़ा स्टॉल लगाया है, अपने मटेरियल लगाए हैं, अपने फैब्रिक को लगाया है और अपने तैयार मटेरियल लगाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी भीड़ है, प्लस कंपनीज है यहाँ पर, विंडर्स इंडस्ट्रीज है और द नेम यू कैन ट्रस्ट, राजश्री फैब्रिक, विमल इंडस्ट्रीज, अमृत एक्सपोर्ट, तमाम खुद यहाँ पर जो बिजनेस के लिए लोग हैं वो आए हुए हैं और उन्होंने अपना बकायदा स्टॉल लगा है। यहाँ पे आपको तमाम तरह के फैब्रिक देखने को मिल जाएंगे और तमाम ऐसे झोले मिल जाएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पे इस टाइप के झोले भी आपको मिलेंगे, थैले भी मिलेंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पर बिजनेस के लिए खुद आ रहे हैं, मटेरियल सेलेक्ट कर रहे हैं, उसको लेकर जाते हैं। और ये मटेरियल जो है, ये अक्सर आप अगर सामान उठाने का थैला आप देखें तो वो इसके लिए मिलेगा, प्लस तैयार किया हुआ सामान भी आपको मिलेगा, प्लस इसके अलावा आपको यहाँ पर इन सभी को तैयार करने के लिए मशीन भी अवेलेबल है, आपको वो मिल जाएगी। यहाँ पर आप तमाम तरह की चीजें देख सकते हो, यहाँ पर ये तैयार करने के कॉन्टैक्ट्स हैं, इस तरह के फैब्रिक आपको इस स्टॉल में देखने को मिलेंगे और तैयार किया हुआ है इस तरह का। और देख सकते हो आप किस बात करके जानते हैं कि और क्या क्या यहाँ पर चीजें हैं और कैसे इस चीज में इनको यहाँ पर खाना मिल रहा है, कैसे मीडिया उसके लिए मैं जानना चाहती हूँ, यहाँ पे आप पहली बार आए, सेकंड टाइम आ रहे, खुद का स्टॉल है? हम लाइव है और पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। तो ये आपका राजश्री फैब्रिक अवेलेबल इंडस्ट्री, ये तमाम ब्रांड आपके हैं, तो इस एग्जीबिशन में फर्स्ट टाइम आना हुआ है आपका? हर साल लगाते हैं, ये दूसरा दिन है आज, कैसा रिस्पांस लगा है? क्योंकि हर साल हम लगाते हैं, बड़ा ही शौक रहता है हमारा और हमारा एक्सपेक्टेशन यही होता है कि सब लोगों को हमारा ब्रांड ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके, तो वो प्लेटफॉर्म हमें यहाँ से मिलता है। किस स्टेट से सबसे ज्यादा, अगर कस्टमर्स की बात करें, कस्टमर किस स्टेट से सबसे ज्यादा? सबसे पहले तो हम बैग्स का फैब्रिक बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं, यहाँ उसका फैब्रिक सकते हैं, वो हमारा नॉर्थ इंडिया से लार्जेस्ट है, 60,000 टन पर। उसके बाद हम फैब्रिक्स का बैग बनाते हैं। ओके, मशीन्स भी आप सेलिंग करते हो या फैब्रिक और बैग? ओके, क्या उम्मीदें हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं और तमाम जगह से आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं, उम्मीदें क्या है? कल तीसरा दिन है, तीन का एग्जीबिशन होगा, कितना अच्छा और रिस्पॉन्स आपको मिलना चाहिए आपको? वैसे ही फर्स्ट डे थोड़ा कम रहता है, ज़्यादातर लोग नहीं आते, लेकिन सेकेंड डे थर्ड डे ज़्यादा होता ही है, तो उस हिसाब से लोग बढ़े ही और हमारे साथ जी। ओवरऑल अगर नेक्स्ट एग्जीबिशन इस टाइप का होता है तो क्या
ओके थैंक यू सो मच सर। तो जैसे कि आप देख अगर कि यहाँ पर तमाम अगर स्टेट की बात करें तो वहाँ से कस्टमर आते हैं और उनको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। और आइए और चीज़ें भी और स्टॉल्स भी देखते हैं और बात करते हैं तमाम तरह के फैब्रिक मटेरियल्स मशीन्स की बात करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं, आपको तुरंत दिख रही होगी ये मशीन्स, तमाम मशीन्स यहाँ पर लगते हैं और ये मशीन्स मटेरियल्स बनते हैं। आपको ये जो मटेरियल है ये जो है ये मटेरियल आपको इस तमाम जो मशीनें लगी हुई ये इतनी जो बड़ी मशीनें लगी हुई हैं इसके द्वारा ही इस तरह के बैग्स को बनाया जाता है। और देख सकते हैं तो यहाँ पे मशीन्स भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे इस तरह के बैग्स बनाने के लिए, तमाम फैब्रिक्स मिल जाएंगे और तैयार मटेरियल भी मिले। मैं चाहूँगी कि किसी से अगर बात हो जाए मेरी तो मैं अब नाम बताइएगा। ओके तो ये यहाँ पे तमाम मशीनें लग रही है, एक मशीन उसके बाद वो सामने जो यूनिट देख रहे हैं ना आप, उस यूनिट के अंदर क्रीजिंग बॉक्सिंग ऑलमोस्ट सारे बैग रेडी होके फिर वो कलेक्टिंग यूनिट लास्ट में बढ़ जाती है जी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें इस एग्जीबिशन में आप कितनी बार आ चुके हैं और ये हम लोग जो हर टाइम एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी मशीनें लगाते हैं, रिस्पॉन्स कैसा मिलता है यहाँ पर? कोई ऐसा मॉडल नहीं है कि एटलीस्ट अच्छे अच्छे कस्टमर फील भी जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम अपने अगर बात करें अगर हम ओवरऑल मशीन की बात करें तो पार्ट वाइज इसकी कीमत है या फिर अगर ₹95 लाख तो आप देख सकते हैं ये पूरी मशीन है जिससे ये बैग्स बनाए जाते हैं और यहाँ पे तमाम लोग आते हैं। अगर हम बात करें पूरे स्टेट के तमाम लोग आते हैं और इनको रिक्वायरमेंट जैसी देते हैं वैसी चीजें यहाँ पर लगाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे तैयार मटेरियल वहाँ से निकलता है ये तैयार मटेरियल यहाँ पर फाइनल और तमाम आपको मैंने वहाँ पे बताया है कि जो ओनर थे उनसे बात हो रही है, तैयार ये फाइनल प्रिंटिंग की मशीन है और ये मटेरियल आपको यहाँ पर प्रॉपर वहाँ से मटेरियल लगा, कट हुआ, हैंडलिंग का काम हुआ और ये पूरा एक थैला आपको इस मशीन से तैयार मिल गया था। उस मशीन की कीमत 95 लाख रुपए उन्होंने बताई। और बात करेंगे और लोगों को जानने की कोशिश करते हैं, अगर बिजी ना हुए तो मिलते हैं तो कस्टमर से भी जानते हैं वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस टाइप के एग्जीबिशन के से। और यहाँ पर क्या देख सकते हैं ये सब यहाँ पर ये
मटेरियल भी मिलेगा। तो अगर आप इस चीज का बिजनेस करना चाहते हो और सोच रहे हो कि आप पॉलीबैग का और तमाम वाइप्स की बात करें, सैनिटरी पैड की बात करें, प्लास्टिक से निजात पाना चाहते हो, वो जो प्लास्टिक के मटेरियल होते हैं उससे ये बहुत बेहतर है। और यहाँ पे आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मटेरियल भी आपको यहाँ पे मिलेगा, मशीन्स भी आपको यहाँ पे मिलेगी, प्लस आपको पूरा तैयार सामान भी यहाँ पर मिलेगा। और ये तमाम स्टॉल्स आप देख रहे हैं, ये एक और मशीन्स आपके सामने जो मटेरियल बनाते हैं, और यहाँ पर इस मशीन्स में ये मटेरियल लगा हुआ है। और सेम मशीन जैसे की बताया मैंने आपको घर पे, मुझे बताया उनके ओनर ने बताया, सेम टाइप की मशीन है जो जो फैब्रिक लगी हुई है, ये जाएगी प्लस हैंडल में जाएगी और फिर फाइनल प्रिंट आपको यहाँ पर फाइनल जो तैयार हुआ माल है वो आपको इस मशीन के अंदर मिलेगी। आप प्रोसेस है ये आपको हैंडल देने का काम करता है, वहाँ पर आपको प्राइस की बात करें तो जिस तरह से वहाँ पे बताया उन्होंने की 95 लाख रुपए बैग्स आप देख सकते हैं, ये तमाम बैग ₹63 लाख इस मशीन की कीमत बताई इन्होंने। और आपने देखा तो
चलो कोई नहीं, यही बंद कर दो इसको, बंद कर दो लाइट। तो आपने देखा तमाम ये खबरों के अड्डा पर ये तमाम प्रगति मैदान में लगाया हुआ एग्जीबिशंस जो आपको नॉन प्लास्टिक मटेरियल यहाँ पे आपको मिल जाएंगे और ये तमाम मशीनें आपको दिख जाएंगी और प्लस जो डायरेक्ट जो अगर हम बात करें पूरे जी हम ना इसी वजह से मैं ऐसे क्लिक कर रही हूँ, लॉक हो गया है। ओके तो इसको एंड कर दूं मैं। हाँ हरीश, क्या देखेंगे उसमें हमारा नुकसान हो जाता है।